पिछले दिनों सफरे तुर्किया के दौरान दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी और रुकने शुरा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की इस्तांबुल सिटी से स्कूदर जजीरे की तरफ रवानगी हुई। इस मौके पर रुकने शुरा ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, अब हम जा रहे हैं शेख अजीज महमूद हुदाई रहमतुल्लाहि तआला इस्कूदर एक जजीरा है, वहाँ अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद निगरानी शुरा और रुकने शुरा का जजीरे की जानिब सफर हुआ और उस्कुदर जजीरे पर मौजूद शेख अजीज महमूद हुदाई रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पहुँचने पर रुकने शुरा का मदनी खबरों से गुफ्तगु करते हुए कहना था, शेख अजीज महमूद हुदाई रहमतुल्लाह अलैह और इनसे जो है वो मुझे एक ख़ास प्यार है और ये हजरत की दुआ है कि जो इनके मज़ार पर आएगा वो कभी जल के नहीं मरेगा, डूब के नहीं मरेगा और फ़ख्र का कश्मीर में इन्होंने अपनी हाजिरी देने वाले की दुआ दी। और फिर निगरानी शुरा और रुकने शुरा ने इस आले सवाब के लिए शेख अजीज महमूद हुदाई रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर फातिहा खानी की और निगरानी शुरा ने दुआ कराई। साहिब मजार का वास्ता हमारे सवाल पूरे फरमा, आमीन आमीन। बार बार हज उमरे की सादत अता फरमा, किसी का मोहताज ना कर, आमीन आमीन। खैर आफियत हमारा मुकद्दर कर, आमीन। उधर तुर्किया के सिटी इस्तांबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निगरानी शुरा और रुकने शुरा की वापसी का सिलसिला हुआ। इस मौके पर रुकने शुरा ने बताया, एक बहुत खूबसूरत दौरा कहिए, खूबसूरत टूर कहिए, जो चेचनिया का हुआ और तुर्की का हुआ और अब उसका अख्ताम हुआ। अब यहाँ से इस्तांबुल एयरपोर्ट से कराची के लिए रवानगी है, अल्लाह करे कि खैर से ये सफ़र हो। माशाल्लाह निगरानी शुरा भी हमारे साथ हैं और हमारे दो इस्लाम जो हमारे साथ थे वो मजीद मदनी काफिले में जारी रखेंगे इस सफ़र को और हमारी अब वापसी है इंशाल्लाह।